एक अहम जानकारी और आपको दे दें, नरेंद्र गिरी केस में तीसरी गिरफ्तारी, आद्या तिवारी का बेटा संदीप तिवारी भी कर लिया गया है गिरफ्तार। जी हां, ये तीन अहम किरदार हैं। सबसे अहम किरदार पहला आनंद गिरी, दूसरा आद्या तिवारी जो कि बड़े हनुमान मंदिर का मुख्य पुजारी है, और तीसरा संदीप तिवारी यानी आद्या तिवारी का बेटा जिसे हिरासत में लिया गया था, अब उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। यानी तीन अहम किरदार इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इससे पहले आनंद गिरी से 12 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है, और उस पूछताछ में इस सुसाइड लेटर में महंत नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग नहीं है, ये दावा किया है आनंद गिरी ने। और भी कई राज जो हैं वो फाश हुए होंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन पूर्णिमा, आपके साथ फॉरेंसिक लैब में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने तमाम जानकारियां हैं, और ये 11 पन्नों का सुसाइड लेटर भी है, वो क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, किस नतीजे पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल समीर, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए इस वक्त यही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन अभी ये सुसाइड लेटर की कॉपी जो मेरे पास है, और संस्कृति भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। संस्कृति, मैं ये लेटर आपको देते हुए यही समझना चाहूँगी, एज एन एक्सपर्ट अगर इस लेटर को आप डीकोड करती हैं तो आपको सबसे पहली नज़र में क्या नज़र आता है इस कॉपी? देखिए, जहाँ तक मैं इस लेटर को देख पा रही हूँ, और पहले बीइंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं यही चीज़ कहूँगी कि इस लेटर के माध्यम से हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये लेटर महेंद्र नरेंद्र गिरी जी ने ही लिखा है, क्योंकि हमारे पास इसको एग्जामिन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड कॉपी या कोई स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन प्रोसीजर नहीं है। हमारे पास ना ही कोई स्टैंडर्ड सैम्पल है। सिर्फ इस लेटर के माध्यम से हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ये जो लेटर है ये महेंद्र नरेंद्र गिरी के द्वारा ही लिखा गया है। अगर हमारे पास उनकी कोई ऐसी हैंडराइटिंग या कोई सिग्नेचर, ऐसे कोई दस्तावेज है जहाँ पर उनके द्वारा लिखित कोई भी चीज़ है, उसके द्वारा हम इस चीज़ से हम इस माध्यम तक आ सकते हैं। इस पैटर्न को आप एनालाइज कर सकती हैं? हाँ, अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि 13 तारीख को बार बार काटा गया है हर पन्नों में, लेकिन एक पन्ना जो है जहाँ पे 20 तारीख ही लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि एक पन्ना जो था जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि जो उत्तराधिकारी कौन होगा, गद्दी पर कौन बैठेगा वाला जो पोर्शन है वो 20 तारीख को लिखा गया है। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 तारीख ही लिखी गई है, इसमें कोई भी 13 तारीख मेंशन नहीं है। बाकी हर पेपर में, हर पन्नों में 13 तारीख को काटा गया है। इसका मतलब ये है कि 20 तारीख को खासकर सिर्फ यही वाला पन्ना लिखा गया है। इस कॉपी में कुछ आपको संस्कृति अनयूजुअल नजर आता है, एक सुसाइड लेटर अगर कोई लिख रहा है 11? ठीक है। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।